ऋषभ पंत के कारण इन चार विकेटकीपर बल्लेबाजों का खत्म हो सकता है करियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऋषभ पंत के कारण कौन से चार विकेटकीपर बल्लेबाजों का करियर खत्म हो सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे इस पूरी खबर की इस वीडियो में पूरी डिटेल में, तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को ऋषभ पंत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे में चलिए दोस्तों अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर की। दोस्तों टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिभा तो इस खिलाड़ी में शुरू से ही है, लेकिन पहले वह अपना विकेट यूं ही गवा देते थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से धीरे धीरे पंत में परिपक्वता आई है और वह अपने विकेट की अहमियत को समझने लगे हैं। वह लगातार वनडे टी20 और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में तो एक ही विकेटकीपर को जगह मिलती है। ऐसे में पंत अन्य विकेटकीपर बल्लेबाजों पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं अगर पंत लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कौन से चार विकेटकीपर बल्लेबाजों की टीम इंडिया में एंट्री होनी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों लिस्ट में पहला नाम है संजू सैमसन, युवा विकेटकीपर बल्लेबाज और आईपीएल में राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 26 वर्षीय सैमसन एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वह जानते हैं कि एक बेहतरीन पारी कैसे खेली जा सकती है। वह आईपीएल में अब तक 3 शतक भी जड़ चुके हैं। लंबे लंबे शॉट खेलना उनका शौक है, लेकिन जब उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला तो वह उसे अच्छी तरह से भुना नहीं पाए। वह अब तक टीम इंडिया के लिए 7 T20 मैच खेल चुके हैं, मगर पंत जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें फिर से मौका मिलने के चांस कम ही हैं। वहीं दोस्तों लिस्ट में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं ईशान किशन, युवा विकेटकीपर बल्लेबाज। ईशान किशन का करियर मानो अभी शुरू हुआ है, लेकिन पंत के प्रदर्शन को देखते हुए उनके करियर पर काले बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में ईशान को इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित भी किया, मगर पंत की फॉर्म को देखते हुए ईशान को दोबारा टीम में मौका मिलने के चांस कम ही दिख रहे हैं। भले ही ईशान आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पंत का बल्ला उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ईशान ने आईपीएल 2020 में खेले गए 14 मैचों में 57.33 की औसत से कुल 516 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हैं केएस भरत, आंध्र प्रदेश के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत भी प्रतिभा के धनी हैं। उन्हें टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम शेयर करने का भी मौका मिल चुका है, मगर अब तक वह टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर सके हैं। उन्होंने 69 फर्स्ट क्लास मैचों में 37.58 की औसत और 3909 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है। इतना ही नहीं, वह फर्स्ट क्लास मैच में एक पारी में 308 रन बना चुके हैं। 2021 में भारत को RCB की टीम में शामिल किया गया, हालांकि अभी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है। वहीं दोस्तों लिस्ट में चौथे खिलाड़ी हैं केएल राहुल, टीम इंडिया के धुरंधर विकेटकीपर बल्लेबाज। केएल राहुल की क्षमता पर कोई शक नहीं कर सकता, वह एक शानदार विकेटकीपर हैं, लेकिन पंत के शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि वह टीम इंडिया के लिए पहले ही काफी मैच खेल चुके हैं। फिलहाल दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में टीम इंडिया में कौन परफेक्ट विकेटकीपर बल्लेबाज की जगह लेता है। दोस्तों आप भी इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।